नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब एक बार फिर से अर्जुन आएगा प्रीता के काफ़ी करीब। और प्रीता के करीब आने के बाद में लगने जा रहा है बहुत बड़ा झटका पूरे ही परिवार को, क्योंकि पूरा परिवार देखेगा कि आखिरकार अर्जुन इतना करीब क्यों जा रहा है प्रीता के। लेकिन दोस्तों, अर्जुन ने एक नई चाल चल दी है। वो नई चाल इसलिए चली है ताकि किसी भी तरीका से किसी को डाउट भी ना हो, और वो प्रीता से दोस्ती कर प्रीता को वो ही खंजर घोपे जिसके प्रीता उम्मीद करती है। क्योंकि दोस्तों, जो प्रीता ने करण के साथ में किया था वो ही करण करेगा, क्योंकि दोस्तों प्रीता ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन करण को ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ में किया है और मैं इस समय अपना अर्जुन वाले किरदार में ठीक बैठ रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इधर ऋषभ काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाज इंसान के तौर पर दिखता हुआ नज़र आएगा। वो बोलता हुआ नज़र आएगा कि अर्जुन, आप अपनी औकात में रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मेहमान हों तो मेहमान की जगह रहो, क्योंकि अगर मेरी सटक गई तो मैं तुम्हारा वो असर करूँगा कि तुम सुपने में भी नहीं जान पाओगे कि ये ऋषभ ने क्या किया। हालांकि बात की जाए तो दोस्तों, इस समय अर्जुन को पूरी ही फैमिली पसंद करती है, और पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं करण की कमी को अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो इस समय जो कि खाली अर्जुन ही पूरी कर सकता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय अर्जुन बहुत ही गर्म मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन का जो टारगेट है वो फिलहाल ऋषभ और प्रीता हैं, क्योंकि वो ऋषभ और प्रीता को एक ऐसी चोट देना चाहता है कि जिस चोट का इनको एहसास भी हो। हालांकि बाद में पता चल ही जाएगा अर्जुन को कि ये सब कुछ जो किया था, ये जो कि प्रीता या ऋषभ ने नहीं किया, बल्कि इसमें पूरी सच्चाई कुछ और ही थी। क्योंकि पूरी सच्चाई इस प्रकार से थी कि उस समय नताशा ने ये धक्का दिया था, लेकिन अभी तक जो कि अर्जुन को लग रहा है कि ये धक्का सिर्फ किसने दिया है, ये धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रीता को समझ रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें।